आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। सूबे में जहां चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं गाजियाबाद में चुनाव हो चुके हैं। इसी के चलते यहां वैलेंटाइन डे पर युवा वर्ग ने अपने प्यार के इजहार के लिए फूलों की दुकान पर जमकर लगाया। तो वहीं ऐसे में एक जोड़ा ऐसा भी निकला जो कॉलेज के दिनों से एक दूसरे से प्यार करता था और आज के दिन शादी के बंधन में बंध गया। तो वहीं पुलिस ने असामाजिक तत्वों को काबू में करने के लिए सिविल ड्रेस में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। तो इसके दृष्टिगत सबको अलर्ट किया गया है, भीड़ भाड़ वाले इलाके, मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, स्कूल और भी पढ़ाई के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके आसपास पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है, लगातार मूवमेंट पर हैं और उनको ब्रीफ कर दिया गया है कि इस तरीके के कोई असामाजिक तत्व किसी को परेशान करते हैं तो उसमें उचित कार्रवाई तत्काल करें। सर, इसमें सिविल ड्रेस में कुछ महिला पुलिसकर्मी लगाई गई है? हाँ, LIO का स्टाफ लगाया गया है और थाने से भी कुछ सर्वेलेंस करने के लिए लोग लगाए गए हैं। गाजियाबाद के सिद्धू दुधेश्वरनाथ मंदिर में संतों के दो गुटों में विवाद हो गया, तो वहीं मंदिर में दोनों में हाथापाई भी हुई। इस विवाद में कवरेज कर रहे दो मीडिया कर्मियों के कैमरे भी क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। चुनावी जनसभा को संबोधित करने सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फरकाबाद पहुंचे, जहां सपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे, तो वहीं मोदी सरकार पर CM ने निशाना साधा। इसी के साथ सपा सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के बीच रखा गया। समाजवादियों ने एम्बुलेंस दी है, लैपटॉप दिया है, आने वाले समय में हम जनता को स्मार्टफोन देंगे जिससे सरकार से सीधा सीधा जुड़ जाए, जो जानकारी है वो सीधी सीधी पहुंचने लगे। हम तो कहते हैं कि इससे अच्छा कोई कार्यक्रम किसी के पास हो तो बता दो। यहाँ तो लैपटॉप भी दिया, विद्या धन भी दिया, समाजवादी पेंशन भी दे दी और 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी। इस बार तय किया है कि कोई भी गरीब परिवार की महिला नहीं छूटेगी जिसको हम समाजवादी पेंशन से न जोड़ दें। प्रतापगढ़ के पट्टी में चुनावी रैली को संबोधित करने केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं किसानों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। इस मौके पर सरकार की तमाम योजनाओं को गिनाया गया, तो वहीं सरकार बनने के बाद विकास का आश्वासन दिया गया। इस बार मोदी जी को विधायक में चुनेगी, भाई मोदी चुनेगी, उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी। जी सर, पट्टी विधानसभा के लिए अगर सरकार आई तो आप क्या? ये मोदी जी बताएंगे, पूरा बताया है उन्होंने भाषण के दौरान, पूरा उन्होंने बताया है। आएंगे तो मोदी सिंह जी चौतरफा विकास पट्टी का करेंगे। बहुत बहुत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सामाजिक संस्थाओं के साथ छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन कर महिलाओं पर हो रहे अपराधों को रोकने की मांग की, तो वहीं इसके लिए लोगों को जागरूक भी किया, तो साथ ही हाथों में तख्तियां लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। उनके लिए हम ये मार्च निकाल रहे हैं क्योंकि उनके साथ जो अत्याचार हुए हैं, उनके साथ रेप हुआ है, उनके साथ हरासमेंट होता है, जो भी कुछ पेट्रियार्की के खिलाफ है, ये जो भी उन्होंने आज तक सहा है उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उनके उनके प्रति हम प्यार दिखाने के लिए ये मूवमेंट है, ये मार्च निकाल रहे हैं कि हम उनको सहानुभूति देते हैं कि ऐसा वो करते रहे और हम उनके साथ खड़े हुए। और यहाँ पर लड़के लड़कियाँ नहीं है, सिर्फ लड़के भी कंधे से कंधा, और ये सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों का भी संदेश है कि हम चाहते हैं कि हमारी बहनें आजाद हों। बलिया के रसड़ा कोतवाली में पुलिस ने चुनाव के चलते चेकिंग अभियान को चलाया, तो वहीं 110 गाड़ियों को चेक किया गया। इसी के साथ इन भवनों में असलाह और शराब भी चेक की गई। बलिया के रसड़ा में NSS के छात्रों ने गांव में भ्रमण किया, तो वहीं चौपाल लगाकर लोगों से मतदान करने की अपील की। इस मौके पर प्रबंधक के साथ ग्राम प्रधान व अन्य लोग मौजूद थे। इलाहाबाद के कोराव में बसपा प्रत्याशी के समर्थन में सतीश चंद मिश्रा ने जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं भाजपा से सपा बसपा पर हमला बोला गया। शहर के नई मंडी में चोरी गली के पास टीचर के घर में चोरों ने घुसकर नकदी के साथ जेवरात पर हाथ साफ किया, तो वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।